हाय गाइस, फिर से नया स्वागत दोस्तों। आप सभी को पता है कि आजकल जो है वीडियो एडिटिंग कौन नहीं करना चाहता। हर चीज पे अपने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के लिए या अपने मनोरंजन के लिए कुछ वीडियो बनाने के लिए वीडियो बना लेते हैं नॉर्मल, लेकिन उसको एडिटिंग की जरूरत होती है। अगर उसको अच्छा बनाना हो तो उसको एडिटिंग की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर आज मैं फिल्मोरा के बारे में बताने वाला हूँ, सब कुछ जो कि हमारा ये फिल्मोरा इंस्टॉल किया हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों, इसे ओपन करने के बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इसमें क्या क्या फीचर है। वो सभी फीचर इसमें अवेलेबल होते हैं जो हमें जरूरत होती है और हमारे लिए एक अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिल्मोरा के जितने भी जो फीचर हैं वो देखेंगे और किससे क्या होता है वो भी देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो फिल्मोरा ऐप है वो खुल चुका है। और यहाँ पर ऊपर में आपको ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा इसका साइज है, यानी कि आप कौन से साइज में इसको बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर इस साइज में बनाएंगे हम, यानी कि 16:9 में, तो अच्छा होगा यानी कि वीडियो एडिटिंग के लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है इजी मूड, ठीक है, इजी मूड लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है फुल फ्यूचर मूड। यहाँ पर फुल फ्यूचर मूड पर हम सीखेंगे तो हमें अच्छे खासे फ्यूचर मिल जाएंगे, जिससे हम अच्छी खासी एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और यूट्यूब से रिलेटेड मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, हम करते हैं फुल फ्यूचर मूड पर। ठीक है, तो यहां पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह का खुलेगा। ठीक है, तो यहां पर कुछ मेरा पहले का प्रोजेक्ट है, इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। ठीक है, यहां से मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अब दोस्तों, यहां पर समझने वाली ये बात है कि हमें फाइल कैसे लानी है, इससे जो भी कुछ भी है वो कैसे करना है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पर बने रहेंगे तो आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आजकल सब वीडियो एडिटिंग की जरूरत पड़ती है सबको। तो यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर फुल चीज देखने को और सीखने के लिए मिलेगी। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको एडिटिंग की किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ इंपोर्ट मीडिया फाइल। तो यहाँ पर एक एक चीज हम देखेंगे किससे क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये फीचर दिया हुआ है कि आप यहाँ पर एक वीडियो लगा सकते हैं, यहाँ पर नीचे में जोड़ सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं, म्यूजिक लगा सकते हैं। यहाँ पर ये म्यूजिक का दिया हुआ है, इसमें ऑलरेडी है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या इसमें कुछ डाउनलोड किए हुए भी मिल जाएंगे। और ये जो है टेक्स्ट एडिटिंग है, यानी कि आप इनमें से बहुत सारे हैं, इनमें से आप दोस्तों डाउनलोड भी कर सकते हैं और डाउनलोड किए भी हैं। जो आपको इमोशनल यानी कि इमोशन चाहिए वो आप ले सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पर है ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन ये होता है दोस्तों, हम जब हमारे वीडियो के बीच में गैप में जब दूसरा इमेज या दूसरा साइज दिखाया जाता है, तो वहां पर दोस्तों आपको पता ही है कि हमारे वीडियो को मोशन यानी कि इफेक्ट देने के लिए काफी अट्रैक्ट होता है। तो दोस्तों, इन सभी का हम यूज करेंगे और कैसे करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। यहाँ पर ये फिल्टर दिया हुआ है और हम इसको यूज कर सकते हैं, डाउनलोड भी, जो डाउनलोड नहीं है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओवरवेल यहाँ पर दिया हुआ है और एलिमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं और स्लिप स्क्रीन यहाँ पर दी हुई है। आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो, यानी कि आप एक स्क्रीन में 3 लोगों को यहाँ पर दिखा सकते हो, या आप यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी वीडियो है उसको आप यहाँ से एडिटिंग करने के बाद में एक्सपोर्ट कर दोगे। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर फाइल कहाँ से और कैसे लेकर आनी है। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैं बताता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इम्पोर्ट। यहाँ पर इम्पोर्ट पर आप क्लिक करते हो तो ऊपर में लिखा हुआ इम्पोर्ट मीडिया फाइल। ठीक है, या आप सीधे यहां पर क्लिक करते हो, जैसे मैं वहां पर क्लिक किया था, जैसे यहां पर मैं इंपोर्ट मीडिया फाइल पर यहां पर क्लिक करता हूं तो यहां पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद में हमारा जो कंप्यूटर का है वो भी खुल गया। तो मान लो हमारी जो फाइल है वो कहां पर है। ठीक है, यानी कि हमने जो फाइल है, हमारी जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है वो कहां पर है। तो यहां पर दोस्तों, मैं जैसे डेस्कटॉप पर जाता हूं यहां पर। ठीक है, डेस्कटॉप पर जाने के बाद में दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो मेरे डेस्कटॉप पर क्या क्या पड़ा है। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं बहुत सारा यहां पर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यहां से लेना है कि हमें कौन से वीडियो को कैसे एडिट करना है, वो सभी चीज यहां पर मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहां पर जैसे मैं उदाहरण के तौर पर यहां पर ले लेता हूं, जैसे ये वीडियो है, मैं इसको यहां से लेना कैसे है वो आप समझ लीजिए। जैसे ये वीडियो लेना है मेरे को, तो यहां पर क्लिक करता हूं और फिर ओपन पर क्लिक करूंगा। या हमें सभी वीडियो लेने हैं पूरे के पूरे, तो यहां से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे और जितने यानी कि ये 3 वीडियो लेना है तो मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर क्या है, हम एक एक ओपन करते हैं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, यहां से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है कि हमें समझना है इसको, ओनली वीडियो एडिटिंग करना नहीं है, यानी कि वीडियो एडिटिंग करके दिखाऊंगा लेकिन हमें पहले समझना है। तो एक वीडियो काफी है। ठीक है, इसको हम बीच से कट कर लेंगे। तो यहां पर दोस्तों, ये आने के बाद में अब यहां पर कैसे लेके आए। ठीक है, तो यहां पर इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट हैंड से क्लिक करके माउस को पकड़े रहेंगे और इसको यहां पर लेके आ जाएंगे।
ये हो गया हमारा। यहां पर आने के बाद में दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहां पर आ चुका है। अब हमें इसे छोटा करना है तो यहां से हम छोटा कर सकते हैं इसके लेयर को, या इसको बड़ा करना है तो इसके लेयर को हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो होता है क्या है दोस्तों, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कोई बड़ी एडिटिंग करनी है तो हमें यहां पर थोड़े थोड़े यानी कि छोटे बड़े कर सकते हैं इसको, ज्यादा कोई जरूरत है नहीं। फिर बाद में मान लो यहां से हमें जो आगे से है, मान लो यहां से आगे से हमें कुछ कट करना है, जैसा कि ये है, यहां से हमें कट करना है। तो यहां पर मान लो जैसे कि यहां से कट करना है, तो यहां पर इस पर क्लिक करके रखेंगे, जैसा अभी ये बार में क्लिक है, अभी इस वीडियो पर यहां पर क्लिक करेंगे। फिर यहां से हमें कट करना आगे का, तो यहां पर ये जो दिख रहा है आपको कैंची का निशान, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ये जो दोस्तों आपको दिख रहा है ये अलग हो चुका है, यानी कि ये आगे का अलग हो चुका है, ये अलग हो चुका है। जैसा हमें ये पीछे का कट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में या तो आप सीधे अपने कीबोर्ड के डिलीट पर बटन पर दबाकर कर सकते हो, या इस पर यहां से कर सकते हो। तो ये हो गया। अब चलते हैं, जैसा कि आगे में यहां से पीछे से कुछ डिलीट करना है तो यहां पर जैसे कि हम इसको चला भी सकते हैं, ठीक है, हम इसको चला भी सकते हैं, या इसको हम रोककर जैसा कि हमने देख लिया यहां से डिलीट करना है तो यहां पर वापस इसी पे क्लिक करेंगे और कैंची पर क्लिक करेंगे, और फिर बाद में ये जो अलग हो गया इस पर क्लिक करके यहां से हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में दोस्तों अब आता है कि इसमें जो इफेक्ट वगैरह जो भी कुछ भी है, म्यूजिक कैसे डालते हैं। तो यहां पर दोस्तों ये तो सीख ली कट करने वाली बात, हो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपके समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ठीक है, फिर बाद में दोस्तों हम यहां पर क्या करेंगे, जैसे मान लो यहां से मैं इफेक्ट देने वाला हूं, जैसे मान लो ये वीडियो तो मैंने सेम एक ही लिया, मान लो हमने बहुत सारे वीडियो लिए हुए हैं और इसके आगे में लगाए हुए हैं, जैसे मान लो ये वीडियो इसके आगे में और वीडियो कैसे लगाए, तो सेम का सेम प्रोसेस यहां से करना है। यहां से लेफ्ट क्लिक करके आपको इसको लेकर आना इधर में, और आप दूसरा वीडियो भी यहां पर लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पर इसी वीडियो को आपको बताने वाला हूं, तो इसको डिलीट कर देता हूं। और फिर बाद में दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर दोस्तों हम इसको मान लो इफेक्ट देने के लिए यहां से बीच से कट कर देते हैं। ठीक है, यहां से मैं इफेक्ट देने के लिए आपको बता रहा हूं, तो यहां पर दोस्तों कट कर देता हूं मैं, थोड़ा सा कट करके इफेक्ट देके आपको एक एक चीज बताऊंगा। ठीक है, तो इसको यहां से हम मैंने कट कर दिया है इफेक्ट देकर आपको बताने के लिए। ठीक है, मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, कट कर दिया, बीच में कट लगा दिया, यहां से जहां जहां पर कट लगाना है वहां पर ले जाकर ओके करके यहां पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, ये कट लग गया। अब उसके बाद में आता है दोस्तों, यहां पर हमने मीडिया का तो देख लिया, ठीक है, सारे के सारे ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ये सभी पूरा का पूरा आपको ट्यूटोरियल मिलने वाला है यहां पर कि आप फिल्मोरा कैसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि ये हो गया, अब यहां पर दोस्तों हमें म्यूजिक पर क्लिक करना है, तो दोस्तों यहां पर आप म्यूजिक ले सकते हो, बहुत सारे जो डाउनलोड किए हुए अभी है और डाउनलोड नहीं है वो आप डाउनलोड भी यहां से कर सकते हैं, या अपना कुछ लेना चाहते हैं दूसरा म्यूजिक बैकग्राउंड आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर कुछ दूसरा तो यहां पर तो मिलेगा नहीं, यहां पर आपको क्या करना है, मीडिया पर क्लिक करना है दोस्तों। यहां पर किसी पर क्लिक किया हुआ नहीं रखना है, यहां पर अगर म्यूजिक पर आप क्लिक करोगे तो ओनली यहीं पर रहोगे, आपको मीडिया पर क्लिक करना है और आपको म्यूजिक लेकर आना है, इस वीडियो पर आपको म्यूजिक लगाना है। ठीक है, सेट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे इंपोर्ट फाइल पर। ठीक है, फिर बाद में इंपोर्ट मीडिया फाइल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में वापस दोस्तों हम डेस्कटॉप पर आ जाएंगे, जैसे हमें वीडियो लेकर आए थे यहां पर। तो दोस्तों हमारा म्यूजिक कहां पे है, तो मान लो ये मेरा म्यूजिक है फ्री स्टोरी। ठीक है, इस पर ओके करता हूं और मैं इसको ओपन कर देता हूं, ये हमारा म्यूजिक यहां पर आ गया। ठीक है, अब इसको नीचे में लगाना कैसे, तो मैं यहां से सेम वही प्रोसेस है, लेफ्ट पर क्लिक करके रखूंगा माउस पे और इसको यहां पर लेके आके छोड़ दूंगा। ठीक है, यहां पर लेकर आकर छोड़ दूंगा, ये मैंने छोड़ दिया। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा सुना देता हूं, इसको क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इसका हो गया। इसके बाद में क्या होगा दोस्तों, यहां पर हम करेंगे थोड़ा सा यानी कि जैसा कि अब मान लो कि आपने म्यूजिक तो लगा दिया लेकिन आपके जो वीडियो है उसका आवाज बंद होना चाहिए। सभी है कि अगर हमने कोई वीडियो शूट किया है तो उसका जो आवाज है वो बंद भी होना चाहिए। ठीक है, तो हमें आवाज बंद कैसे करना है वीडियो का, हम इस पर वीडियो पर क्लिक करेंगे दो बार। ठीक है, यहां पर दो बार क्लिक करते हैं, जिस वीडियो का हमें म्यूजिक बंद करना है उस पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा आप देख सकते हो वीडियो। ठीक है, वीडियो में आ जाएगा कंट्रास्ट, एक्सट्रैक्शन और ब्राइटनेस, यानी वीडियो की ब्राइटनेस जैसे आप देख सकते हो कितना भी आप कर सकते हो जितना चाहे। ठीक है, और ये सभी आ जाएगा, इसका स्पीड यानी कि इसका स्पीड भी आ जाएगा, अगर आप स्पीड से चलाना चाहते हैं या स्लो मोशन में चलाना चाहते हैं कैसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर बाद में आती है बात ऑडियो की, तो यहां पर हम ऑडियो पर क्लिक करते हैं।
ठीक है, ऑडियो पर क्लिक करने के बाद में ये जो आप देख रहे हो ऊपर में वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को आपको अगर बंद करना है पूरा म्यूजिक आपका वीडियो का, तो यहां से आप इसको पूरा जीरो कर देंगे, उसके बाद में यहां से ओके कर देंगे। तो यहां पर आप दोस्तों इसका जो म्यूजिक है वो गायब हो चुका है, यानी कि पूरा का पूरा जो है डिलीट हो चुका है, ठीक है। और फिर बाद में हमें आगे का प्रोसेस देखना है, तो अब आगे चलते हैं। आगे चलकर दोस्तों हमें म्यूजिक तो लगा लिया, ठीक है, हम म्यूजिक लगाना तो आ गया, इसको यहां से हटा देते हैं क्योंकि कुछ काम का नहीं है। आपको लगाना है तो लगा लेना, अच्छे से पूरा एडिट कर लेना, मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं, ठीक है। इसको डिलीट कर दिया, उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये ट्रांजेक्शन क्या है या टैक्स, तो आपको यहां पर कुछ भी टैक्स ले लेना। जैसे मान लो मैं यहां पर टैक्स लेता हूं, आपके उदाहरण को उदाहरण के तौर पर मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जैसा कि मैं यहां पर ये टैक्स लेता हूं, ठीक है, ये टैक्स लेकर मैं यहां पर इसको रख देता हूं, ठीक है, ये रख दिया। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें इसमें लिखना है और कुछ भी करना है, जैसा कि हमने जैसे इस पर, जैसे आपको मैं बता देता हूं, जैसे हम इस पर 2 बार क्लिक करेंगे टेक्स्ट पर यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हमारे सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आएंगे जो हम ले सकते हैं वो ले सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये हो गया, इसका जो कलर है वो कैसा होना चाहिए, तो कलर मैं इसका येलो रखना चाहता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हो ये येलो कलर हो गया, ठीक है। और यहां पर मैं इसको ओके कर देता हूं, या उसके बाद में और यहां पर हमें लिखना है, ठीक है, यहां पर लिखना है, तो मैं यहां से इसको लिखे हुए को यहां से डिलीट कर देता हूं, ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल दिनेश, ठीक है, टेक्निकल दिनेश लिख दिया। उसके बाद में दोस्तों इसको कहां पर रखना है, जैसा कि ये इसको कहां पर रखना है, मैं यहां पर रख देता हूं, जैसे अभी हम इसको चलाएंगे, ठीक है, तो यहां पर मैंने रख दिया इसको। और जैसा बहुत सारे टैक्स आप ले सकते हो, जैसे मैंने इसको स्टार्ट करता हूं, तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है, अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो ये टैक्स ऐसे होता है। उसके बाद में रहा दोस्तों ये जो बीच का गैप है, इसमें हमें थोड़ा सा अच्छा अट्रैक्ट करने वाला डालना है, तो हमें यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहां से मैं जो मेरे को अच्छा लगता है वो मैं यहां से ले लूंगा, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, तो यहां से हम चुनेंगे, जैसे हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, जैसे मान लो ये मेरे को अच्छा लगता है, तो मैं यहां से ये चुनूंगा और यहां पर उसको पकड़ के यहां पर लाकर छोड़ दूंगा, ठीक है। अब देखना आप वीडियो की क्वालिटी, यानी कि वीडियो जो है इसका इमोशन देखना कैसा होता है, तो यहां पर मैं ऐसा करता हूं, तो ये देख लो कैसा हुआ, ठीक है। अब आगे में और खाली है, तो यहां पर हम दोस्तों इसको यहां से पकड़ के यहां पर रख देंगे, तो इसको वापस और हम चलाते हैं, ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो ये कैसे गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इमोशन होते हैं। और आप जैसे मैं इसको यहां पर रखता हूं, तो इसको भी हम चला कर देखेंगे, बहुत सारे हैं दोस्तों, आप यहां पर जो डाउनलोड नहीं है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहां पर, ठीक है, बहुत सारे मोशन है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया हमारा सब कुछ। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें और भी मिलता है, जैसे फिल्टर, तो यहाँ पर हम फिल्टर पर क्लिक करेंगे इस पर वीडियो पर, और इसमें हम फिल्टर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका फिल्टर जो है कैसा हो गया, यानी कि अलग से थोड़ा सा इसमें दिख रहा है, या हमें ये लेना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा अट्रैक्ट हो रहा है और अच्छा भी हो रहा है, ठीक है, लोग यही पसंद करते हैं अच्छा देखना। और यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी फाइलें और भी है जो जिसका आप उपयोग कर सकते हो, एडिट पर यहाँ पर क्लिक करके, फाइल पर क्लिक करके, एक्सपोर्ट पर, मैं सभी चीज यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। अब दोस्तों मेन चीज ये आती है कि हमने वीडियो तो बना लिया, ठीक है, वीडियो तो बना लिया, लेकिन इसको एक्सपोर्ट कैसे करें, ठीक है, हमने म्यूजिक भी लगा लिया, टेक्स्ट भी लगा लिया, वीडियो एडिटिंग भी कर लिया अच्छा खासा। अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको और भी इसके बारे में बता दूंगा, यानी कि अभी तो मैं इसके पूरे के बारे में बता रहा हूं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उसी ओनली आप जो कमेंट करेंगे, जो आप पूछेंगे उसके बारे में वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों यहां पर आता है एक्सपोर्ट का, यानी कि इस वीडियो को हमें बाहर में निकालना है, यानी कि बाहर निकालना है, ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, ये अगर आप जब अपना जो फिल्मोरा ऐप है उसको आप इंस्टॉल करो, तब आपके पास में यहाँ पर सब कुछ दिखा देगा कि आप जो आपका एक्सपोर्ट होगा ये वो किधर जाएगा। तो आप अपनी मर्जी से फाइल जो है सेलेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो फाइल है वो किधर जानी चाहिए, किस फोल्डर में जानी चाहिए जब हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, वो आपकी मर्जी से आप कर सकते हो। और दोस्तों इसमें एक फीचर और भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आप वीडियो के साथ में अगर अपनी खुद की वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके वॉइस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ डेमो के तौर पर, तो यहाँ पर मैं जैसे भी क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर 3 सेकंड बाद में आवाज जो स्टार्ट होने वाली है, हाय गाइस आप कैसे हो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इतना सा बोला,
और यहां पर ये जो रिकॉर्ड है ये हो गया, आपको एक बार वापस सुना देता हूं, ठीक है। हाय गाइस, आप कैसे हो? ठीक है। तो दोस्तों ये जो आवाज है बहुत ही अच्छी और रिकॉर्ड होती है यहां पर। और यहां पर दोस्तों ये जो कैमरे का निशान है, जैसा कि मान लो ये मेरा वीडियो है, इसमें से मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो यहां पर मेरे को थोड़ा सा, जैसा कि मान लो यहां पर अभी मैं चला देता हूं, जैसा कि मान लो यहां पर ये इमेज आती है, ठीक है, ये इमेज आती है। तो मेरे को यहां से, मेरे को मान लो यहां से मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पर इस पर क्लिक करूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद में स्क्रीनशॉट, यानी कि ये जो दिख रहा है आपको, इसका पूरा स्क्रीनशॉट निकल जाएगा, यानी कि स्क्रीनशॉट हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट क्या करेगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट अपना जो वीडियो जाएगा वहीं पर ये स्क्रीनशॉट चला जाएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट चला जाएगा। यहां पर आप वापस भी उसको ले सकते हो या अपने फाइल में भी ले सकते हो, ये उस काम में आता है। यहां पर ये जो आवाज का है, आप आवाज कम ज्यादा कर सकते हैं, और यहां पर ये जो है आप इसकी जो है स्क्रीन फुल कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन जो है वो। और यहां पर जो है लाइट स्क्रीन, यानी कि हम इस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलता है, यानी कि व्हाइट हो जाता है पूरा का पूरा व्हाइट। अब आता है यहां पर डार्क स्क्रीन, तो यहां पर वापस क्लिक करते हैं तो ये ऐसा हो जाता है। तो मेरे को ये सा ब्लैक अच्छा लगता है, तो मैं यहां पर ये सा ब्लैक रखना चाहूंगा, ठीक है। और यहां पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं हमें जो वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सारे काम आते हैं, यानी कि बहुत फीचर है इसमें। आपके लिए तो कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छा है, ठीक है। और दोस्तों यहां पर मीडिया फाइल जो भी कुछ भी है मैंने आपको बता दिया, ओवरले यहां पर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। आप समझते हो ओवरले क्या होता है, या आप नहीं जानते तो वीडियो के कमेंट में जरूर कीजिए, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और मोर इफेक्ट, यहां पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों मोर इफेक्ट पर हम क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का खुलकर आएगा। अगर आपका इंटरनेट स्टार्ट है तो आप और भी ले सकते हो, ठीक है। अभी मेरा इंटरनेट जो है आप यहां पर देख सकते हो बंद है, ठीक है। और मैं यहां से इसको वापस हटा देता हूं, और यहां से आप इसको मिनिमाइज, वो तो आप समझते ही हो। और यहां पर सेव वगैरह जो भी कुछ भी है दोस्तों, आपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो। दोस्तों अब चलते हैं हमारे वीडियो एक्सपोर्ट की तरफ, यानी कि वीडियो जो है एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा वीडियो, मान लो कि हमारा जो वीडियो एडिटिंग है पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, यानी कि बाहर निकालना है इसको, कहीं डालने के लिए या कहीं किसी के पास में शेयर करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन। ड्राइव, आईफोन, आईपैड, एप्पल टीवी, आईफोन, गैलेक्सी S5, एंड्रॉइड, जिम्स नेक्सन, एक्सोन वन, PS प्रो, व्हील, सोनी टीवी। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे को यहाँ पर अच्छा लगता है, यानी मोबाइल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर स्मार्टफोन, ठीक है। उसके बाद में जो मेरे फाइल का नाम है दोस्तों वो ये रहेगा माई वीडियो, ठीक है, मेरे फाइल का। और दोस्तों यहाँ पर इसका रेजुलेशन जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, और साइज जो है दोस्तों 7 MB। एक दोस्तों खास बात आपको यहाँ पर इसकी मैं ये बता देता हूँ दोस्तों, इस ऐप से जब भी हम कोई कितना भी बड़ा अगर वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं या बाहर निकालते हैं तो दोस्तों वो बहुत ही, यानी कि उसके क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, लेकिन हमारे लिए इजी हो जाता है दोस्तों, उसकी MB जो है वो इजी हो जाती है, यानी कि MB जो कम हो जाती है तो उसके लिए हमें फायदा होता है कि हम MB का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि यूज का मतलब है कि कम MB इसमें लगती है, और बहुत ही अच्छा ऐप है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसे एक्सपोर्ट भी करना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट पर। तो दोस्तों ये हो रहा है हमारा एक्सपोर्ट, यानी कि साउंड डिमांड, जैसे यहाँ से हम फ्यूज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ से फ्यूज कर दिया। अब वापस इसको लगाना है, यानी कि वापस स्टार्ट करना है, तो वापस मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये देखो आपके सामने एक्सपोर्ट होगा, फिर बाद में कहाँ जाएगा और कैसे हमें इसको, यानी कि हमारे फाइल में हमने फाइल का नाम रखा था कि दोस्तों इसको हमने कैसे वहां पर ढूंढना है, ठीक है। तो यानी कि तो दोस्तों यहां से ये एक्सपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट होने के बाद में दोस्तों ये वीडियो कहाँ जाएगा आपको पता होगा, क्योंकि आपने पहले फाइल चुनी होगी कि किस फोल्डर में ये जो वीडियो है जाना चाहिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो में, और भी कुछ इससे संबंधित आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, और इसका आंसर भी मैं देने के लिए तैयार हूं, और उसके लिए भी वीडियो बनाना चाहता हूं, यानी कि आपके आंसर का जवाब दूंगा और आपके पास वीडियो भी पहुंच जाएगा, जो आपको पूछना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों ये हमारा हो चुका है एक्सपोर्ट, यानी कि स्टेप कन्वर्टिंग, यहां पर लिखा हुआ है स्टेप मिशन कंप्लीट, यानी कि इस जो स्टेप मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर लिखा हुआ है, यहां से आप क्लोज करेंगे इसको दोस्तों, आप जाएंगे सीधे कहां,
बाहर, यानी कि यहां पर आप पहुंच जाएंगे वापस फिल्मोरा पर, ठीक है। और यहां पर अभी आप फाइंड टारगेट पर जैसे ही क्लिक करते हो तो दोस्तों यहां पर आप पहुंच जाते हो, जैसे हमारे ये वीडियो है यहां पर आ चुका है। तो लोकल डिस्क सी, यानी कि मेरा यहां पर इसको बनाया हुआ है कि ये जो मेरे वीडियो है यहां पर आना चाहिए, ठीक है, यहां पर आना चाहिए। तो मेरे बहुत सारे यहां पर वीडियो आए हुए हैं, तो ये वीडियो मेरा आ गया, ये 9 नंबर वीडियो है, ठीक है। मैं यहां से कॉपी भी कर सकता हूं, कहीं अपलोड भी कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन हाल फिलहाल के मैं यहां से कर देता हूं। और दोस्तों जैसा कि मान लो ये हमारी फाइल है, हमें इसको डिलीट करना है, तो मान लो मैं इसको डिलीट करता हूं, यहां पर क्लिक करता हूं, डिलीट कर देता हूं, इस पर और क्लिक करता हूँ डिलीट कर देता हूँ, इस पर और क्लिक करता हूँ डिलीट कर देता हूँ। अब हमें इसे बंद करना है, तो यहां से क्लिक करेंगे और यहां से हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।